चलिए जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, और जिन अभ्यर्थियों का सपना पुलिस भर्ती में जाने का था उनके लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल आयु सीमा बढ़ाई गई है। जी हाँ, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 3 साल आयु सीमा बढ़ाई गई है। पूरी खबर क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि 3 साल आयु सीमा में बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि आपको पता है कि 2 से 3 दिन पहले ही यूपी में, जी हाँ, आपने देखा होगा कि यूपी में करीब 60,000 के आसपास जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, जिसमें 24,000 अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस करीब 6,000, अन्य पिछड़ा वर्ग करीब 16,000, अनुसूचित जाति करीब 12,000 और अनुसूचित जनजाति करीब 1200 से ऊपर ये सभी भर्तियां आई थी। लेकिन इनमें मामला फंसा था एज को लेकर। जी हाँ, इनमें मामला फंसा था उम्र को लेकर। काफ़ी डिजिटल आंदोलन भी चलाया गया था, जैसे कि आपको बताया कि सेम मामला उत्तराखंड में भी हुआ था। लेकिन क्या हुआ सभी को पता है, इसके ऊपर हमने कई बार चर्चाएं की हैं। लेकिन अभी खुशखबरी का समय है, इसमें उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी भर सकते हैं। कैसे, चलिए आगे बताऊंगा मैं। तो इसी संबंध में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त के निकल के सामने आ रही है कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी जो कि नगर पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, जो खबर मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि बड़ी खबर है कि 3 वर्ष की जो मैक्सिमम आयु सीमा थी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। और अब इसमें आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, अब मैं पूरी डिटेल देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं जो परीक्षा है 11 फरवरी को है, और पहले जो एज थी आप देख सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 22 थी, एससी ओबीसी एसटी के लिए 18 से 27 थी, ये छूट के साथ है, हाँ ठीक है। और फीमेल्स के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई थी। अब जो है ये 3 वर्ष की बढ़ोतरी के बाद EWS 18 से 25 हो गई है, और SC ST OBC 18 से 30 हो गई है, फीमेल्स 18 से 28 हो गई है। अब इसमें जैसे कि आपको पता है कि यूपी में उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी भर सकते हैं, ठीक है, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं लेकिन आप जो इसमें भर सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पर फाइट करना पड़ेगा। और वो अभ्यर्थी जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिनका सपना पुलिस में जाने का है और वो उत्तराखंड में 18 से 22 वर्ष की जो अभी रिसेंट टाइम में भर्ती है, जिसमें वो उनका सपना पूरा नहीं हो सका था, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने दी है कि अब जो है पुलिस कांस्टेबल में जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल है जनरल के लिए, तो 3 साल की आयु सीमा बढ़ोतरी है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या रहा है, क्या आप जो है यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और दबा के जो है शेयर कीजिएगा। करण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।